नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सामी ड्यूसफायर एग्रोलुक्स 80 प्रोफलाइन ट्रैक्टर के स्पेसिफिकेशन के बारे में। वीडियो के अंदर हम आपको ट्रैक्टर की कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रैक्टर के इंजन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो चार सिलेंडर का इसमें आपको CRDI 80 HP 4000 CC 2200 इंजन रेटेड RPM वाला इंजन मिलने वाला है। इंजन रेटेड RPM का ये मतलब होता है कि अगर आप 2200 इंजन रेटेड RPM के ऊपर अपना ट्रैक्टर चलाते हैं तो ट्रैक्टर जो अपनी पूरी पावर आपको प्रोड्यूस करके देगा। वाटर कूल्ड इंजन इसमें आपको मिलेगा। ट्रैक्टर के अंदर फ्रंट एक्सल की बात करें तो इसमें आपको चारों टायरों के अंदर ब्रेक का सिस्टम मिलने वाला है। जी हाँ, आप चारों टायरों की इकट्ठी और सेपरेटली दोनों टायरों की ब्रेकों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैक्टर में आपको डीजल सेवर की बैचिंग भी लगी हुई मिलने वाली है। साइड शिफ्ट के अंदर आपको ये ट्रैक्टर मिलेगा। PTO के लिए इसमें आपको अलग से क्लच दी गई है। तो इसके लिए हम आपको ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस ट्रैक्टर के अंदर पार्किंग ब्रेक जो दिया गया है इंडिपेंडेंट दिया गया है। अगर आपका जो ब्रेक है फुट ब्रेक वो ख़राब हो जाता है तो आप पार्किंग ब्रेक के द्वारा अपने ट्रैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रैक्टर के अंदर आपको लो, मीडियम, हाई, यानी कि इस ट्रैक्टर के अंदर आपको क्रीपर गियर का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे आप इस ट्रैक्टर के अंदर 15 फॉरवर्ड और 15 रिवर्स स्पीड इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाली है। एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इसमें आपको मिलेगी। ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है ये, अपने आप आपके वेट के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाती है। ट्रैक्टर के अंदर आपको फुली ऑयल इंप्रेस्ड ब्रेक मिलने वाला है और इस ट्रैक्टर के अंदर एक क्रूज बटन दिया गया है जो इस ट्रैक्टर की जो एसिलेटर है वो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है, जिससे आपको इम्प्लीमेंट या एक पार्टिकुलर इम्प्लीमेंट के ऊपर ट्रैक्टर चलाते हुए बार बार एसिलेटर को सेट करने की आवश्यकता नहीं है। पीछे के टायर इसमें आपको 16-39 के बड़े साइज के मिलने वाले हैं। अब ट्रैक्टर के डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो इसमें आपको 4-way डिस्ट्रीब्यूटर मिलने वाला है, यानी कि 4 कंट्रोल वाल इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलने वाले हैं। आप दो कंट्रोल वाल को सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं। अब ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक की बात करें तो इस ट्रैक्टर की जो हाइड्रोलिक है वो न्यू हॉलैंड की तरह ही इसमें आपको 2 सिलेंडर लगे हुए मिलने वाले हैं, जिससे इस ट्रैक्टर की जो हाइड्रोलिक लिफ्ट की कैपेसिटी है वो 700 KG अलग से बढ़ जाती है। यानी कि इस ट्रैक्टर की जो हाइड्रोलिक लिफ्ट की कैपेसिटी है वो आपको 3000 KG की हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी मिलने वाली है। प्लेंट्री ड्राइव के अंदर आपको ये रियर का एक्सल इस ट्रैक्टर के अंदर मिलेगा। डबल एडजस्टेबल जैक और डबल स्टेपलाइजर एडजस्टेबल न्यू स्टाइलिश लुक के साथ इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलने वाला है। हिच पॉइंट बढ़िया और एडजस्टेबल इस ट्रैक्टर के अंदर मिलेगी। ट्रैक्टर के अंदर आपको 68 HP की 68.8 HP की लगभग 70 HP की PTO पावर इसके अंदर आपको इंडिपेंडेंट क्लच के साथ में मिलने वाली है। ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन डबल क्लच के अंदर आपको 15 फॉरवर्ड 15 रिवर्स फुली सिंक्रो शटल शिफ्ट ऑयल इंप्रेस्ड ब्रेक पावर स्टेयरिंग ड्यूल एक्टिंग और इसमें आपको जो PTO की स्पीड मिलने वाली है वो आपको 540 और 750 टू स्पीड PTO इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाला है। तो इस ट्रैक्टर के डीजल टैंक की बात करें तो इसमें आपको 70 लीटर का डीजल टैंक इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाला है। टोटल वेट की बात करें तो ट्रैक्टर के अंदर आपको 2820 KG का टोटल वेट इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाला है। ऑटोमेटिक डेप्थ और ड्राफ्ट कंट्रोल की हाइड्रोलिक जैसे फीचर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलने वाले हैं।